पिकनिक लाइफ स्टाइल। और अभी ना हम लोग इस वाले रूम में हैं क्योंकि इस वाले रूम में ना आज ठंडा है काफ़ी। तो यहाँ देखो मानव कितना खुश है। अरे जट्टा पीपड़े ये सब ना माधव को काटेगा ना फिर परेशान मैं हो जाऊंगी, उससे ज़्यादा तो परेशान मैं हो जाती हूँ उसको कुछ होता है तो। और आज का जो मौसम है ना काफ़ी क्लाउडी क्लाउडी मौसम है क्योंकि सुबह हुआ था बारिश तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखो आज तो मेरा कपड़ा सूखा ही नहीं, मतलब आज उतना धूप था ही नहीं बिल्कुल भी। जो ये आप कॉटन वाला देख रहे हो ना बस यही वाला सूखा है प्रॉपरली, और बाद बाकी माधव के कपड़े तो सूखे ही नहीं है क्योंकि आज का जो मौसम है ना एकदम मस्त वाला मौसम है और गर्मी भी नहीं है और धूप भी नहीं है तो इसलिए मेरा कपड़ा सूखा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, अभी अंदर जाके सुखाना पड़ेगा और अभी तो बारिश का टाइम है तो बारिश के टाइम में क्या होता है ना कि नमी नमी आ जाता है और उस कपड़ों में ना स्मेल करने लगता है। तो देखो अभी शाम के टाइम है और अभी हम दोनों निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए। माधव को रख दिया है उसके मामा के घर में तो अभी मैं उसको लेके घूम नहीं रही हूँ, धीरे धीरे करके घूमूंगी। अभी उसके लिए एक बैग ऑर्डर दिया है मैंने कैरी बैग करने के लिए, मतलब उसको कैरी करने के लिए, तो वो वाला बैग मैं लेके लूँगी जब तब मैं उसको लेके घूम पाऊँगी। वैसे तो उसको हर कहीं लेके घुमाना है क्योंकि वो कूलर के सामने से निकलता ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत, फिर वो खुद को नाजुक समझने लगता है। मम्मी गए थे मार्केट और मार्केट से हम क्या क्या लेके आए हैं तो चलो दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। ये ना एक टाइप का धूप है तो कुछ जलाते कैसे हैं इसके अंदर, ये देखो ये है, ये कुछ मम्मी ने भी रखा है और कुछ हमारे लिए भी भेजा है मंदिर के लिए, ये देखो। और इधर लेके आए हैं हस्बैंड ये बादाम और किशमिश, और लेके आए हैं सेब और केला, ये लेके आए हैं। ये छोटा वाला है क्या, इसका पैकेजिंग कैसा है, ये कितने का है, ये कम वाला है, कितने का लेके आए ये, ये वाला। और हमने आगे जिया नेता वो यार 250 करे नहीं तो ना 250, ये भी वही वही रेट का है। पहले ना मैं इसको खा के देखती हूँ और इसको, इससे ज़्यादा तो ये ख़राब लग रहा है मुझे, एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। वो तो गया तो गाइस ये ना ये अच्छा है और कुछ कुछ सही है कुछ कुछ गलत है ना। मैडम ठीक है, मैं ना मैडम वैडम यहाँ से लेना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा ही मिलता है और अभी सितारगंज जाना भी नहीं हो रहा है। पहले पूरा भर जाता था, बड़ा हो जाता था ना पहले 450 देता था, छोड़ते क्या ना होना, हाँ नहीं ना उसके पास अगले बार दे देंगे। और अभी देखो माधव सो रहा है, सो नहीं रहा है सहता नहीं खा। मैं अपना डाइट लेना शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोले तो बहुत कमजोर हो चुकी हूँ तो डाइट बंद हो गया था मेरा, काफ़ी कुछ बंद हो गया था तो अभी मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। हमें टाइम नहीं मिलता है खाने का, सोने का टाइम नहीं मिलता है इसके वजह से, तो मैं थोड़ा टाइम निकालूँगी।
खाना हमारा बन गया है और डिनर में है दाल दाल और क्या कहते हैं दही से बनाया है। तो थोड़ा सा ना मैंने अपने मन से कलाकारी किया है, नारियल भी दिया है, प्याज लहसुन टमाटर सब देके ना मिक्स करके एक दाल बनाया है। तो अपना दिमाग लगा थोड़ा टेस्टी लगेगा ना, तो सीरियसली बहुत ही टेस्टी हुआ है दाल और दही, तो मज़ा आ रहा है खाने में। और हस्बैंड गए हैं मम्मी को दाल देने के लिए, मम्मी ने थोड़ा सा चावल बनाया है तो मम्मी बोलिए थोड़ा सा चावल भी लेके जा, तो ठीक है कोई ना, चावल मम्मी भेज रही है और मैंने दाल भेज दिया है, ऐसा ही होता है कनेक्शन। तो सोचो जो नेगेटिविटी लोग होते हैं वो लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, उसके बाद चीज़ को लेकर कमेंट करने लग जाते हैं, इतना बुरा लगता है लोगों को। व्यूज़ के लिए थंबनेल में एडिटिंग होता ही है, तो थंबनेल देखे कमेंट ना करें, जज ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है बाबा। तो यहाँ देखो माधव के पापा आ गए हैं डिनर देके, और यहाँ हमारा बिस्तर भी पड़ा है, अभी लेके जाना पड़ेगा उस रूम में। चलो ले चलो ले चलो, खाना भी खाना है, भूख लगी है। क्या क्या दिया है मम्मी ने? चावल बस है, भिंडी शुद्ध, और यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े ना सूखे नहीं है तो इनको प्रॉपरली धूप नहीं मिला तो ये लोग गीले हैं, तो कल तक सूख जाएगा। अरे ये मेरा माधु क्या कर रहा है, ये मेरा माधु क्या कर रहा है, इसकी आंखों में देखो नींद नहीं है। ये तो मार भी हमारे हैं हैं हमारे भय कुछ से भय। उन्होंने ले लिया है ये सारा अपना बिस्तर, तो हाँ ये नहीं सोएगा, ये अभी तो सो के उठा, अब 1 बजे तक स्कूल चलेगा, इसके नीचे दाल को देख मौसे का मैं सुनने। तो गाइज इस ब्लॉग को भी यही इन कर देते हैं, आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो अभी फटाफट से हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे, नींद आ रही है काफ़ी। सो बाय।